ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राजकीय व निजी पाठशालाओं के विज्ञान संकाय के बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक सत्र मोटिवेशनल सेशन का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में किया गया। कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं राजकीय व निजी पाठशालाओं के विज्ञान संकाय के बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक सत्र मोटिवेशन सेशन का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रेरणा सत्र में बच्चों के प्रतिस्पर्धात्मक गुणों को विकसित करने पर बल दिया गया ताकि वे आगामी अप्रैल मई 2020 में होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा तथा नीट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस सत्र में जिला की विज्ञान संकाय वाली 30 राजकीय व निजी पाठशालाओं के लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। हरकेश मीणा ने कहा कि इस सत्र को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जनवरी 2020 में आयोजित जेईई मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जेईई एडवांस के लिए तैयार करना तथा इस परीक्षा में 70 या इससे अधिक परसेंटेज प्राप्त करने वाले बच्चों को आगामी अप्रैल 2020 में होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जेईई मुख्य परीक्षा में बेहतर परसेंटेज वाले बच्चों को जेईई एडवांस के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है। सत्र में नीट की तैयारी कर रहे ऐसे बच्चों को भी शामिल किया गया जो कि कायाकल्प के जनवरी 2020 में हुए मॉक टेस्ट में टॉप 100 में शामिल हैं। उन्हें आगामी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर उपनिदेशक जसवंत सिंह, उपनिदेशक निरीक्षण अजय पटियाल, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य जीएस तोमर, केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील चौहान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल की प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर, डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा, हिम अकेडमी के पंकज लखनपाल सहित अन्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे। आप सही लगे क्योंकि ना इससे ग्रुप में इम्प्रूवमेंट का वो थोड़ा जैसे सर ठीक है सर काम कर पहले टेस्ट में सारा जी